सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो इस वीडियो में मौलाना आजाद कॉलेज का फॉर्म फिलअप स्टार्ट होने वाला है। सो सबसे पहले आपको मौलाना आजाद कॉलेज सर्च कर लेना है और पहला वेबसाइट आप में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे ही आना तो यहाँ पे यूजी एडमिशन दिख जाएगा आपको, ठीक है। इस पर क्लिक कर लेना तो ये पोर्टल खुल जाएगा। सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। उसके बाद नीचे आके ना कंटिन्यू कर देना, फिर अगेन अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम देना है, ठीक है। मोबाइल नंबर, क्योंकि इस पर ओटीपी आएगा तो मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, दे दिए। और ये भी सही होना चाहिए ईमेल, क्योंकि इस पर भी ओटीपी आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही देना, देख लेना एक बार, रीचेक कर लेना, ठीक है। उसका क्लास 10+2 मतलब 10+2 मतलब 12 का कौन सा बोर्ड था, किस बोर्ड से दिया वो देना। पासिंग ईयर सिलेक्ट करना, 2 ही साल दिया हुआ है, 22 या 23 वाला ही को लेगा। और 12 में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर जो एग्ज़ाम का होता है वो देना है, ठीक है। वो दे के सबमिट करना, ओटीपी आएगा। अब ओटीपी के लिए वेट करना थोड़ा सा, क्योंकि तुम लोग का मतलब आ जाएगा, मोबाइल नंबर जो दिए उसमें आ जाएगा। तो ओटीपी डाल दिया, उसके बाद सबमिट एंड लॉगिन करना है। सबमिट कर देना, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल। और कास्ट कैटेगरी, कास्ट मतलब तभी सेलेक्ट करना जब तुम्हारे पास कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो भी वेस्ट बंगाल का, नहीं तो फिर जनरल करके आगे बढ़ना होगा। ईडब्ल्यूएस में नो करना, अगर यस करोगे तो ईडब्ल्यूएस का तुमको सर्टिफिकेट चाहिए, सर्टिफिकेट होगा तभी। पीडब्ल्यूडी नो, पर्सन विद डिसेबिलिटी हो तो नहीं, राइट। और डेट ऑफ बर्थ जो एडमिट कार्ड में होता है क्लास 10 12 का वही देना होगा, कुछ अलग नहीं दे दोगे क्योंकि फिर वेरीफाई करेगा लोग, ठीक है। स्पोर्ट्स लेवल में किसी में हो तो वो मार्क कर लो कौन से लेवल में हो, नहीं तो फिर नोट करके आगे बढ़ो। और यहाँ पे क्लास 10 का परसेंटेज डालना है तुमको, क्लास 10 में कितना परसेंटेज आया। गार्जियन का नाम दे देना यहाँ पे, जो कि तुम्हारा एडमिट कार्ड में मेंशन रहता है वही नाम देना। और यहाँ पे आप लोग को गार्जियन का नंबर देना है, ठीक है, दे दिए फोन नंबर। उसके बाद 10+2 का कौन सा स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट कर लेना, अगर आर्ट्स है तो आर्ट्स, साइंस है तो साइंस, कॉमर्स है तो कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स है तो कॉमर्स, ठीक है, चलो आर्ट्स करते हैं। स्कूल नेम, स्कूल नेम क्लास 10+12 का कौन सा स्कूल से बिलोंग करते हो, क्लास 10+12 का स्कूल का नाम देना होगा, दे देना। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड में नो करो, क्योंकि आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो, ठीक है। आप क्लास इसमें इंग्लिश, आप आते हैं क्लास 12 का मार्क्स में, सबसे पहले इंग्लिश का मार्क्स लेना। इंग्लिश ए बी तुम लोग को नहीं पता तो सिंपली इंग्लिश पे क्लिक कर लेना। दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, दूसरा भी लैंग्वेज होगा ना, एक और लैंग्वेज होता है जैसे हिंदी, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, आपका जो मिल रहा है आप ढूंढना, मिल जाएगा आप लोग को, जो आप लोग जिसमें आप लोग किए हो, राइट। और किसी का 6 सब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होने से नया नॉट अप्लीकेबल लिख देना, ठीक है। उसके बाद आते हैं फुल मार्क्स पे। फुल मार्क्स में ना 100 करना, प्रैक्टिकल में अपने आप 0 हो जाएगा। बट किसी के पास थ्योरी और प्रैक्टिकल का बाइफर्केशन है, जैसे कि 80 मार्क्स थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल 20 होता है, वो आपके रिजल्ट में दिख रहा है कि 80 में कितना मिला और प्रैक्टिकल में 20 में कितना मिला, वो देना हो तो ऐसे करना, तो 80 यहाँ पे देना, अपने आप 20 आ जाएगा उस हिसाब से। कर दिए, उसके बाद 80 में कितना मिला वो यहाँ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल रैंडम सा हम चूज कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिकल में कितना मिला, 19 मिला, किसी में 18 मिला, किसी में 17 मिला, किसी में 20 मिला, ये चीज़ कर रहना। इसके बाद वहाँ पर अपने आप टोटल आ जाएगा, टोटल कुछ करने की जरूरत नहीं। उसके बाद पासवर्ड देना, आप लोग पता है पासवर्ड क्या होता है, कैपिटल स्मॉल नंबर फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। पासवर्ड कंफर्म करके या टिक करके सेवन कंटिन्यू कर देना है। करने के बाद उसके बाद हम लोग को अपलोड करना पड़ता है फोटो, तो फोटो अपलोड कर देख लो पहले, फोटो और सिग्नेचर करना है। एडमिट कार्ड 10 का एडमिट कार्ड, एज प्रूफ होगा, और 12 का मार्कशीट 150 KB का, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आप लोग को।
तो सबसे पहले पहले ये करने से पहले आप लोग सब कुछ को सेटअप कर देना, किसमें किसमें करना है। देखो जेपीजी फॉर्मेट ही लगेगा और ये चीज़, तो ये चीज़ कैसे कन्वर्ट होते हैं सबका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कैसे कैसे सबको चेंज करना है और सबको केबी के अंदर लाना है वैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आता है ना, तो चलो हम फर्दर बनने के लिए हम फर्दर बनने के लिए हम जो भी इमेज हम अपलोड कर रहे हैं क्योंकि हमको आगे बढ़ना है, लेकिन तुम लोग जो दिया हुआ है वही अपलोड करोगे। ठीक है, हो गया फाइनली, उसके बाद कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप देखो 3 साल का बीए करना है, 4 साल का बीए करना है, वो डिपेंड करता है। तो तुम दोनों में अप्लाई कर सकते हो, किसी ऐसा नहीं है कि अप्लाई कर सकते हो दोनों में। तो पहले 3 ईयर्स करो, फिर किसमें करना है, जैसे कि हमको मिला अरेबियन और पर्सियन, तो इस पर सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, जो आप लोग का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करना है वो अपने हिसाब से करना, जैसे कि हम यहाँ पे ये किए। ठीक है, और यहाँ पे इसमें से कौन सा सिलेक्ट करना है ये तुमको डिपेंड करता है, तुमको कौन सा लैंग्वेज का एग्जाम देना है। और तुमको इंग्लिश बेटर इंग्लिश लैंग्वेज आता है तो इंग्लिश सिलेक्ट करो, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड में आप लोग का एग्जाम होगा जहाँ पे ये सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। बट अभी जो भी कर दोगे बाद में फिर से कन्फर्मेशन लिया जाएगा, तो इसमें फिर ऐड करना है। ओके, तो जैसे ही कर दोगे ना ये ऐड हो जाएगा, ओके कर देना। तो ये देखो ऐड हो गया। अब मान लो कि तुमको एक और कॉम्बिनेशन में तुमको अप्लाई करना है, तो अगेन मान लो कि 4 ईयर बीकॉम है, इंग्लिश नहीं तो आप जाना है हिस्ट्री में, फिर कुछ सेलेक्ट करना है, जो कॉम्बिनेशन लेना है वो सेलेक्ट करना, देन अगेन ऐड करना, तो अगेन एक आ जाएगा। दो मल्टीपल में कर सकते हो अप्लाई। ठीक है, तो अभी हम एक ही करके अप्लाई कर रहे हैं और कन्फर्म कर रहे हैं। तो देखो ये आ गया। ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लेना तुम लोग यहाँ से, प्रिंट में जाके प्रिंट अपना करा लेना साइबर वगैरह से, नहीं तो फिर डाउनलोड पीडीएफ करके अपने फोल्डर में रख लेना। देखो ये है तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म, इस तरह दिखेगा। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मेरिट स्कोर है, मेरिट इसी के बेसिस में तुम लोग का क्या होता है ना, वो मेरिट लिस्ट निकलता है। और एप्लीकेशन स्टेटस कन्फर्म सब कुछ दिखा दिए, सब कुछ एक बार रीचेक कर लेना कि सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद कुछ भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में इंस्टाग्राम या फिर ये डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और या फिर का लिंक दिया हुआ है, तो फिर वहाँ से कर सकते हो या फिर आप कमेंट में ड्रॉप कर दो जो भी क्वेरीज है। ठीक है, जो भी होगा हमसे हम शॉर्ट आउट कर देंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब डेफिनेटली करना। सो थैंक यू सो मच।